आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ टुडे और मैं हूं रमन सैनी। और इस समय की बड़ी खबर जो है वो आ रही है किश्तवाड़ से और बारामूला से, जहां पर NIA की रेड चल रही है। और ये रेड दो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जमात इस्लामिया के खिलाफ जो टेरर फंडिंग का मामला 2021 में दर्ज किया गया था, उसमें ये रेड्स चल रही हैं। और लगातार ये रेड्स जो हैं वो किश्तवाड़ के कई इलाके और जो बारामूला के कई इलाके, लगभग एक दर्जन से ज़्यादा लोकेशंस ऐसी हैं जहां पर ये रेड्स चल रही हैं। 2021 का ये मामला है जब टेरर फंडिंग मामले के अंदर जमात इस्लामियों को बुक किया गया था और उनके खिलाफ से तब से ही लगातार ये कार्रवाई चल रही है। इससे पहले हमने देखा कि किस तरीके से श्रीनगर के इलाके के अंदर जो है वो रेड की गई थी NIA की तरफ से, उसके बाद SIA की तरफ से भी रेड की गई। और अब जो जानकारी निकल कर आ रही है उसके मुताबिक NIA ने आज किश्तवाड़ और बारामूला के मल्टीपल लोकेशंस के अंदर आज NIA की रेड जो है वो शुरू की है। और ये रेड सुबह से ही चल रही है और लगातार चल रही है। कई ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थी NIA को, और इनका पूरा मामला जो है वो NIA के पास सबूतों के साथ पहुंचा था। और उसके बाद अब इन लोकेशंस के ऊपर जो है रेड चल रही है, इनके घर को सील करके रेड किया जा रहा है। इनके घर से जो जानकारी मिली है, कई तरह के दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो हैं वो मिले हैं, उनको सील किया जाएगा। और उसके बाद उनकी जो जाँच होगी, जाँच के बाद आगे पता चल पाएगा कि आखिरकार क्या कुछ खुलासा उसमें हो पाता है। लेकिन लगातार टेरर फंडिंग को जम्मू कश्मीर के अंदर ध्वस्त करने के लिए और आतंकी गतिविधियों पर रोकथाम लगाने के लिए NIA लगातार इस तरह के कार्रवाई जो है उसको अंजाम देती हुई नज़र आ रही है। और आज सुबह भी किश्तवाड़ और बारामूला दो ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर टेरर फंडिंग मामले में NIA की रेड्स चल रही हैं। इससे पहले हमने 3 दिन पहले देखा था कि कश्मीर घाटी के अंदर श्रीनगर की मल्टीपल लोकेशंस के अंदर जो है वो NIA की तरफ से रेड की गई थी, और उसके एक दिन बाद SIA की तरफ से, जो स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसकी तरफ से ये रेड की गई थी। तो लगातार रेड्स जो हैं वो इस समय कश्मीर घाटी के साथ साथ में जम्मू प्रोविंस के अंदर भी चल रही हैं, ताकि जो भी टेरर नेटवर्क इस समय मौजूद है कश्मीर घाटी में या जम्मू प्रोविंस में, उसको पूरी तरीके से ध्वस्त किया जाए। और टेररिज्म को रिफ्यूलिंग करने के लिए जिस तरीके से जिस पैसे का इस्तेमाल किया जाता है, जो टेरर फंडिंग के हवाले से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, हवाला का मनी इसमें इस्तेमाल होता है, तो उसको भी पूरी तरीके से कुचलने के लिए, ध्वस्त करने के लिए और आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए इस समय एक मल्टीपल लोकेशंस के अंदर किश्तवाड़ और बारामूला में जो है वो टेरर फंडिंग के मामले में केस जो है वो जांच चल रही है। और आज रेड्स जो हैं वो चल रही हैं। दोपहर तक पता चल पाएगा कि आखिरकार यहां से जो सामान बरामद हुआ है, जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद हुए हैं, जो दस्तावेज इनके पास से बरामद हुए हैं, जिन घरों में रेड चल रही है वहां पर आखिरकार क्या क्या कुछ ऐसी आपत्तिजनक सामान जो हैं वो बरामद हुए हैं, जिनके बिना पर ये कहा जा सकता है कि ये पूरा का पूरा मामला जो है वो टेरर फंडिंग के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि ये मामला 2021 का है और 2021 में जमात इस्लामी के खिलाफ टेरर फंडिंग का मामला जो है वो दर्ज किया गया था। तब से लेकर लगातार मल्टीपल लोकेशंस पर कई जगह जो है वो, चाहे पुंछ का इलाका हो, चाहे राजौरी का इलाका हो, चाहे कुपवाड़ा का इलाका हो, बारामूला का इलाका हो, श्रीनगर का इलाका हो, पुलवामा का इलाका हो, अनंतनाग का इलाका हो, कहीं पर भी जहां पर उन्हें किसी भी तरीके की कोई सुराग मिलती है वहां पर इस तरीके से टेरर फंडिंग को रोकने के लिए रेड्स की जा रही हैं। और जो लोग इनमें सम्मिलित पाए जा रहे हैं, लिप्त पाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ लगातार एक्शन जो है वो किया जा रहा है। तो एक बार फिर जांच जो है वो जांच एजेंसियों ने अपने दायरे को बढ़ाया है और बारामूला और किश्तवाड़ दोनों ही जगह पर मल्टीपल लोकेशन, करीबन एक दर्जन से ज़्यादा ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर आज सुबह से NIA की तरफ से टेरर फंडिंग मामले में जमात इस्लामिया के खिलाफ जो उनके लोग हैं उनके घरों पर जो है आज रेड चल रही है। बाकी की अन्य खबरों के लिए देखते रहें जेके न्यूज़ टुडे। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।